हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के गाइस आप सभी भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो भाई काफ़ी दिन हो चुके हैं यार, हम नए कबूतर लाए जाना है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि गाइस मैं आपको अपने घर के ब्रीडिंग सेटअप में ब्रीडिंग प्रोग्रेस नहीं बता पाया। और भाई काफ़ी कबूतरों ने अंडे भी कर दिए, काफ़ी कबूतरों ने बच्चे भी कर दिए। तो इस वीडियो में इतना टाइम नहीं होता कि यार मैं आपको बता पाऊँ, तो मैंने सोचा अभी एक अलग वीडियो बना ली जाए जिसमें कि गाइस मैं आपको अपने लॉफ्ट की पूरे लॉफ्ट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताऊँगा। और उसके साथ गाइस आपको पता ही है भाई, हमारे जो फराज मामा हैं वो अपने सारे कबूतर सेल कर रहे थे, उनके लगभग गाइस आधे से ज़्यादा कबूतर सेल हो चुके हैं। और जो उनका फेंटेल पेयर था गाइस, वो भी भाई सेल हो गया है। तो उनने क्या किया कि भाई उनने कहा कि भाई इसने दोनों अंडे दे दिए थे तो वो तुम रख लो। तो अभी गाइस 5-10 मिनट से वो बस से आते ही होंगे अंडे, तो हम भाई उसको पूरी कोशिश करेंगे अभी अंडे लेकर आएंगे। और अपने जो मेरे कबूतर हैं गाइस, जो कि कुछ अंडों पर बैठे हैं और कुछ कबूतर ऐसे हैं जो अनफर्टाइल एग पर बैठे हैं, मतलब जिसमें नसी नहीं बन रही। तो मैंने और भाई ने सोचा है कि भाई क्यों ना वो अंडे अपन उनके नीचे रख दें और देखते हैं भाई कि कैसे बच्चे निकलेंगे। तो अभी गाइस सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ भाई के साथ, वो अंडे लेकर आता हूँ। उसके बाद गाइस अपन अपने सभी कबूतरों को खोलेंगे और उसी के साथ गाइस फिर मैं आपको दिखाऊंगा अपने पूरे लॉफ्ट की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और फिर वो अंडे अपन जिस भी कबूतर के नीचे रखेंगे गाइस, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलें भाई, चलो भाई चलते हैं अपन अंडे लेने। तो गाइस फाइनली भाई हम आ चुके हैं घर। और भाई ये देखो यार, तो इसमें पैक होकर आए हैं अंडे। तो अभी तो भाई अंडों को अपन रखते हैं इधर। और अभी सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको अपने लॉफ्ट की भाई ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या होगा, मैंने खोल दिया ना कबूतरों को बाहर तो मज़ा नहीं आएगा। और मेरी सारी वीडियो जब भी मैंने ब्रीडिंग प्रोग्रेस की बनाई है, तो जब भी बच्चे दिखाता हूँ तो मैं आपको उनके माँ बाप के साथ दिखाता हूँ। और लॉफ्ट देखो भाई, आज झाड़ू दी है, पूरा लॉफ्ट साफ़ कर दिया है, सारी बीट साफ़ कर दी है, सारे ही घास वगैरह पर वगैरह जितने भी थे सभी कुछ गाइस साफ़ कर दिया है। तो अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एक करके आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताऊँगा। भाई लाइट खोल दो एक मिनट, सबसे पहले लाइट खोल दो, हाँ फिर बता रहा हूँ मैं भाई। अब ठीक है, तो चलिए गाइस सबसे पहले भाई मैं आपको इधर से शुरू करते हैं अपन, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। देख लो आप लोग, पहले ही देख लो, मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, इधर कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो शुरू करते हैं भाई अपन अपने पुराने पेयर से। ये तो भाई ना है, ये अभी टाइम लगाएंगे ब्रीडिंग करने में। तो सबसे पहले भाई आप लोग देखो, ये जो हमारा मुखी का ब्रीडिंग पेयर है, तो इसने एक अंडा दिया हुआ है, एक ही है ना, ये देखो भाई। तो इसके नीचे माशाल्लाह से गाइस एक अंडा रखा हुआ है। और इधर भाई हमारा ये येल्लो पेयर था जो कि खाली है, क्योंकि भाई नया था, आते से ही इनने अंडे दिए थे लेकिन भाई वो ख़राब हो गए थे। उसी के साथ गाइस इसमें हमने कटोरा रखा हुआ है, किसके लिए, कहाँ है ये, रोआब और ब्लू बार के लिए। तो इसका भाई वेट है, क्योंकि क्रॉस तो अच्छे से हो चुकी हैं, बहुत जल्द अंडे भी देंगी, तो इसलिए गाइस हमने क्या है इसके नीचे कटोरा रख दिया था ताकि भाई ये जल्दी से अंडे दें। ये रहा हमारा फेंटेल का पेयर, ये देखो अभी तो भाई ये भी खाली है, कोई अंडे या बच्चे पर नहीं है। और चलो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत करते हैं। जो मेन ब्रीडिंग है वो इस साइड हो रही है, उस साइड तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले भाई आप लोग देखो, हमारी जो ग्रे बार फीमेल है ना, उसके नीचे दो अंडे रखे हुए हैं, ये देखो, एक उसका खुद का है और एक भाई शायद सेंटीनेट किसी का छोटा सा अंडा मुझे दिखा था तो मैंने उसके नीचे रख दिया था। तो इनके खुद के अंडे में तो नस नहीं बन रही, लेकिन जो फेक मतलब दूसरा अंडा रखा था उसमें भाई नस बन रही है। तो माशाल्लाह से भाई इनका तो अभी बढ़िया चल रहा है, ठीक है भाई। और उसी के साथ गाइस हमारा जो ब्लैक शिराजी का पेयर है, कहाँ है भाई, ये मेल है और फीमेल कहाँ है, और ये भाई ऊपर फीमेल। तो उसका जो बच्चा था ना गाइस, एक तो मर गया था, मैंने आपको बता ही दिया था। ये देखो गाइस इसकी ग्रोथ माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन हो रही है, और मार्किंग वगैरह भी मेरे हिसाब से भाई इसकी काफ़ी सही आ रही है अभी तक तो। ये देखो भाई माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा ये ब्लैक शिराजी का बच्चा हो रहा है। और उसी के साथ गाइस अब जो हमारा अगला पेयर है वो रहा हमारा ब्लू बार सेंटीनेट का, जो कि गाइस इनने एक ही अंडा दिया था। और इनका बच्चा गाइस माशाल्लाह से भाई बहुत ही अच्छा पालना है, ये पिछली बार भी अच्छा पाला था, इस बार भी अच्छा पालना है। और मुझे लग रहा है ये ऐसा तो नहीं फिर से अंडे देने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है फिर से दे दे भाई, ये कोई भरोसा नहीं। तो माशाल्लाह से गाइस देख सकते हो इनका बच्चा भी माशाल्लाह से काफ़ी सही है, कोई भी सुस्त वगैरह नहीं है, पोटला वगैरह भी भाई इसका काफ़ी सही भराना है इसके माँ बाप। और उसके बाद जो गाइस पेयर है वो ये रहा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई इन्होंने अंडे दे दिए, वो वाइट छोटी मेल और भाई ये वाला फीमेल, मतलब ये वाली फीमेल,
तो इनका क्या सीन है गाइस, मैं भी आपको बताता हूँ। ये पेयर हमने रखा था कि भाई हम किसी भी जोड़ का बच्चा पलवाएंगे, मतलब शिराजी फेंटेल, तो इसलिए गाइस हमने ये पेयर रखा था। तो अब फाइनली इनने अब खुद अंडे दिए हैं, तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई किसके, मतलब कौन सी जोड़ के अंडे इसके नीचे रखें, और इसके अंडों का भाई फिर देखेंगे कि भाई क्या करना है, किसी को अगर चाहिए होंगे तो दे देंगे, या फिर हमारा एक पेयर और खाली है हुआ तो हम उसके नीचे रख देंगे। और बाकी मैं आपको एक और पेयर बताता हूँ जो कि हमारा फेवरेट पेयर में से आता है, जो कि भाई हमारा रेड मेल है और इसकी फीमेल ये बैठी है, ठीक है भाई। तो ये भाई हमारा रेड शिराजी का पेयर है, जो एक बच्चा इसका मर गया था आपको पता ही है, इससे पहले येल्लो निकाला था वो बड़ा होके मर गया था, इनके साथ का जो था वो तीसरे चौथे दिन मर गया था अभी। लेकिन भाई इसकी ग्रोथ देखो आप लोग, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, बहुत हैवी पालती है गाइस ये जोड़, देख सकते हो उसका साइज़ वगैरह। और हमेशा गाइस दो में से एक बच्चा अगर बचता है ना तो एक बच्चा बहुत हैवी पलता है, ये जो है ना इतने बड़े साइज़ के भी जबे हुए थे क्योंकि एक अकेले पले गए थे, बाकी दो बच्चे होते हैं तो थोड़ा बहुत डिवाइड हो जाता है और साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन ये अकेला है तो गाइज इसका साइज़ इसके बाप जितना होगा जब ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ तो ये बता दी मैंने ब्रीडिंग, अब सुपर ब्रीडिंग बताऊँ, मतलब उस ब्रीडिंग से भी अच्छी ब्रीडिंग, ये देखो भाई आप लोग, ये देखो भाई माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, मतलब बच्चा अभी 20 दिन का हुआ है और फिर से अंडे सेक रहा है, ये बच्चे भी पाल रहा है अंडे भी सेक रहा है, फीमेल अब सिर्फ अंडे सेकती है, अब जो बाप है भाई वो बच्चे को भी पाल रहा है अंडे भी सेक रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और अब भाई ये देखो, ये ब्लैक मुखी मेल है, ऊपर जो बैठी है वो फीमेल है, ठीक है भाई। और ये देखो भाई, ये रहा उनका एक बच्चा, जो कि भाई इस बार क्या हुआ है, थोड़ा सा जो इसके मार्किंग है वो पीठ पे से वाइट कलर आ गया, ये देखो इसको मिसमार्क बोल सकते हो आप, तो हमें लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। ये देखो भाई क्वालिटी देखो आप उसकी, गर्दन वगैरह नेक देखो कितनी लंबी नेक है भाई उसकी माशाल्लाह से, कांटा वगैरह इसका बहुत हैवी रहेगा क्योंकि इसके माँ बाप बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मिसमार्क तो चलता है क्योंकि शिराजियों में भी आ जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और भाई अगर जब भी हमारे कबूतर किसी में मिसमार्क आता है तो हम उसका रेट भी काफ़ी कम कर देते हैं, फुल मार्किंग की आपको भी पता है थोड़ा रेट नॉर्मल रेट जैसा रहता है, लेकिन मिसमार्क आएगा तो रेट थोड़ा कम हो जाएगा। और इसकी मार्किंग देखो आप माशाल्लाह से टॉप क्वालिटी में आई है, बिल्कुल इसके बाप की तरह, ठीक है भाई। अब अपन चलते हैं सबसे नीचे, जो कि है हमारा ब्लू बार, जो कि गाइस एक अंडों पर बैठा हुआ है, इसने एक ही अंडा दिया था इसकी फीमेल ने, इसकी फीमेल कहाँ है, इसकी फीमेल रही भाई कहाँ, वो बैठी है ऊपर बैठी है बीच में ये वाली, तो भाई ये भी माशाल्लाह से एक अंडे पर बैठा हुआ है। और जो हमारी गाय एलमंड और ब्लैक फेंटेल हैं, ये भाई दो अंडों पर बैठी हुई हैं, ये देखो भाई। तो आज हम क्या करेंगे, एक हफ्ता हो चुका है, इनके अंडे चेक करेंगे जब अभी मैं कबूतरों को बाहर खोलूंगा, और अगर नस नहीं बनी ना तो इसके नीचे भाई मैं सोच रहा हूँ छोटी वाले के अंडे रख दूँ, बच्चे तो इनसे एक बार खुद ही पलवाना है। तो गाइस अभी थोड़ी देर के बाद जब सभी कबूतर बाहर आएंगे, जब अपन इसके अंडों में नसें चेक करते हैं, तो लगभग गाइस ये थी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो गाइस 8 जो हमारे मेन और पुराने पेयर हैं वो माशाल्लाह से सभी अंडों पर हैं और बच्चों पर हैं, ये वाला बस इसलिए खाली है क्योंकि मैंने नई पट्ठों की जोड़ लगाई थी भाई, नहीं तो ये भी अंडों पर या बच्चों पर होती। और 8 नहीं 9 ये भी है भाई, तो गाइस हमारा फेवरेट पेयर ये भी है भाई, रेड और येल्लो मुखी। तो 9 पेयर जो है गाइस वो हमारे अंडों बच्चों पर हैं, और लगभग गाइस उस हिसाब से ब्रीडिंग प्रोग्रेस काफ़ी सही चल रही है, नया लॉट जब से बना है माशाल्लाह से हमारा, उसके बाद से भाई ब्रीडिंग में काफ़ी फ़र्क आया है माशाल्लाह, पहले से तो भाई बहुत अच्छी ब्रीडिंग हो चुकी है। तो अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन कबूतरों को भाई खोल लेते हैं, चलो बाहर चलो। तो गाइस सबसे पहले आप अपन अपने कबूतरों को खोलते हैं, चूजे तो नहीं खोले, रुको 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 बंद करो बंद करो, सबसे पहले मैं चूजे बंद कर दूँ, फिर अपन अंडे भी लेके चलते हैं अंदर, तुम बाहर दाना पानी करना, और फिर मैं अंडों को अपन देखते हैं कौन से जोड़ के नीचे रखना है। तो गाइस देख सकते हो भाई जैसे ही गेट खोला सारे ही कबूतर आ गए हैं बाहर, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, इनको आने देते हैं बाहर। और चूजों को यार पकड़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज से नए सेटअप में डालना है भाई, इसको देखना, ये देखो भाई आ गया हमारा किंग, और इसकी फीमेल भाई वो भी खोल दो उसको। और इनको अभी मैं करता हूँ सबसे पहले बंद, और उसके बाद मैं आता हूँ इधर पर। तुम क्या कर रहा हो, ये यार सेल करने, सेल करने का सोचा है। तो गाइस भाई और हमने ये मिलके सोचा है कि ये प्यार जिस किसी को भी चाहिए होगा, जो कि मिल्की बार मेल है और येल्लो भाई भाई लाइट येल्लो कलर में फीमेल है, ये देखो भाई टॉप क्वालिटी में, बस टेल वगैरह इसकी थोड़ी मेली हो गई थी, ये नहाएगी तो सही हो जाएगी। और ये देखो मेल, बहुत ही प्यारा मेल है, जहाँ फीमेल आप पकड़ोगे तो ये हाथ पर भी आकर बैठता है। बाकी ये ब्रीडिंग पेयर है गाइस, जिस किसी को भी चाहिए होगा मैं उसको दे दूंगा। और भाई चूजे आ गए अब अपने लॉफ्ट में वापस,
तो सबसे पहले इनको करवाओ बंद। अरे पहले इनको बंद करवाओ भाई। भाई ये देख सकते हो चूजों को कर दिया है अभी बंद, थोड़ी देर के बाद पकड़ूंगा। और हमारी किंग फीमेल भी माशाल्लाह से सही है। ये मेल की यार बस थोड़ी सी आंख आ रही थी, तो अभी मैं इसका भी ट्रीटमेंट करूंगा। और ये जो है ना, थोड़ी सी हालत इनकी आपको डाउन लग रही होगी, आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों हुआ, तो मैं भी आपको बताता हूँ। सुबह जब मैंने वीडियो एंड की थी, किंग फीमेल लाया, उसके बाद गाइस इसको मैंने हैंड फीड के लिए पानी पिलाया था। पानी जब पिलाया ना, तो जहाँ इसको बिल्ली ने पकड़ा है वहाँ से गाइस इसके पानी पूरा वापस आ गया। आपने काफ़ी शॉर्ट्स वीडियोस में देखा होगा, कबूतर पानी पीता है तो गले से आता है, इसके भाई बाजू से आ रहा था। फिर हमने पता है क्या किया, इसको हम ले गए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में लगवाए 3 इंजेक्शन। तो भाई हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया है, अब बस वेट कर रहे हैं। थोड़ा सदमे से बाहर आए, क्योंकि इंजेक्शन के बाद गाइस कबूतर नींद में रहता है 6-7 घंटे। तो अभी इसको सोने देते हैं, आप आ जाओ बाहर, और भाई आप भी आ जाओ बाहर, चलो। और बाकी गाइस सभी कबूतर खुल चुके हैं, तो अभी क्या करते हैं, मैं भाई से बोलता हूँ इनको दाना डाल दे। ये क्या है, लक्का का मेल, ये भी है सेल करना, ये करेंगे दूसरा लाएंगे ना। तो भाई मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जो हमारी लक्का है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, अंदर है वो, अंदर है। ये जो गाइस उसका मेल है ना भाई, ब्रीडिंग करा हुआ मेल है, फुल वाइट। तो जिस किसी को भी चाहिए वो ये वाला मेल भी मुझे सेल करना है, क्योंकि मैं लक्खा के लिए गाइस थोड़ा बड़ा मेल लेकर आऊँगा, दो बाज में। ये वाइट है, मुझे दो बाज में चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो मैं बड़ा दो बाज मेल लेकर आऊँगा, तो मैं इसके लिए इसको सेल कर रहा हूँ। जिसको चाहिए भाई वो भी ये वाला कबूतर ले सकता है, और वो मिल्की बार में शिराजी का एक पेयर है, वो भी देने का है, वो भी ले सकता है। और पट्ठों में जोड़ चाहिए तो ये वाली ले सकता है, ये देख सकते हो गाइस, ये तुलसी टाइप में, और ये वाला कलर, ये कलर में, डिफरेंट कलर में ये पैर भी दे दूंगा। और बड़े में चाहिए तो गाइज एक ये मेल है, और भाई उससे ये तुलसी लगा हुआ है, ये वाला पैर भी भाई मैं दे दूंगा, सॉरी ये वाला मेल और एक ये तुलसी फीमेल। तो ये भी गाइज सारे ही देने के हैं जितने मैंने बताए, तो ये मैं आपको दे दूंगा। और गाइज अभी एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ये देखो भाई के हाथ में, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सरप्राइज दूंगा, अभी नहीं दे रहा मैं, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी बहुत कुछ करना है भाई हमको। तो भाई सबसे पहले काम करो, दाना डाल दो, दाना डाल दो सबसे पहले, उसके बाद फिर अपन चलते हैं लॉफ्ट के अंदर, और इन अंडों को करते हैं अनबॉक्सिंग, और फिर रखते हैं भाई कौन सी जोड़ के नीचे रखना है वो देखेंगे। अभी कर दो दाना, कर दो सबको। भाई देख सकते हो ये सारे ही कबूतर दाना खा रहे हैं, और बाकी अब अपन चलते हैं यार भाई लॉफ्ट के अंदर, और इसकी करते हैं यार डब्बे की अनबॉक्सिंग। लाओ कुछ चीज़ लेकर आओ, और इनको भाई दाना वगैरह जब तक अपन खाने देते हैं। यार सभी कबूतर दाना खा रहे हैं, और अब अपन करते हैं यार अपने अंडों की अनबॉक्सिंग। कभी भी गाइस अंडे अगर बाहर से आते हैं तो वो ऐसी पैकिंग में आते हैं, देखो आप लोग भी देखो भाई, आराम से निकालना, नहीं तो अंडों को कुछ हो जाए। ये देखो गाइस कॉटन के अंदर आए हैं, कुछ नहीं कर रहा भाई, वो बैठा हुआ है, आराम से आराम से देखना। और ये तो बुरादा है ना, देख लो संभाल के, रुई के अंदर है, एक एक करके निकालो। अच्छा तो गाइस देखो भाई, भाई कर रहा है अनबॉक्सिंग अपने। अब देखो यार, अब भाई से मैंने बोल दिया है, क्योंकि मेरे फ़ोन के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा इसका कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे फ़ोन से बना देता हूँ। तो भाई करो यार अनबॉक्सिंग करो, क्वालिटी थोड़ी कम है तुम्हारे फ़ोन की, लेकिन ये देखो भाई कितना बड़ा एक से माशाल्लाह से, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा आ गया। और दूसरा एक, इसको संभाल के रखना, गिराना मत। दूसरा एक निकालो भाई। तो गाइस अब निकालते हैं भाई दूसरा एक आराम से। ये देखो गाइस माशाल्लाह भाई, बहुत बड़े अंडे हैं यार, मतलब कितने बड़े साइज के बच्चे, और कुछ तो नहीं है नहीं। तो गाइस ये देखो भाई, ये है लकड़ी का बुरादा, इसके अंदर आती है पैकिंग, और रुई के अंदर बिल्कुल सेफ अंडे रहते हैं। सबसे पहले गाइस क्या करते हैं अपन, ये देखो रेड शिराजी बाहर है, तो वो बच्चा है, बस ये प्रॉब्लम होती है जब बच्चा जब तक हन्ना कूदे और कबूतर अंडा दे दे तो। लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा दूर रहो तुम। हाँ तो अब बताओ क्या करें, किसके नीचे रखें? मेरा मन है यार गिरेवाल से बलवाने, दोनों दोनों नहीं एक रखते हैं, मामा ने भी कहा था एक रखना, नेट का और एक फिंटल बलवा। हाँ ऐसा कर लो। अच्छा चलो देखते हैं फिर, तो मोबाइल निकालो मेरा मोबाइल। तो भाई सबसे पहले एक काम करता हूँ, मेरा फोन रखता हूँ इधर, और मैं आपको दिखाता हूँ अंडे क्या दिक्कत क्या है। ये देखो ग्रेवार का है बड़ा एक, ये देखो भाई कोई मसला नहीं है, खाली एग है, हटा दो भाई इसको, हटा दो। और दूसरा जो एग है ना इसका, अब देखना आप, जो कि मैंने मजाक में सेंटीनेट का रखा था, ये भी खाली है। अरे ये देखो भाई, ये देखो भाई क्लियर, इसमें नस है। तो भाई इसको रखते हैं नीचे, और ये वाला जो एग है ना, ये तो भाई नया है, इस पे यार मार्कर से मार्क कर देते, जल्दी जाओ मार्कर लेकर। चलो मत करो, मैं इसके नीचे रखता हूँ गाइस, ये एक अब देखना अंदर लेगी, ये गया अंदर,
ये देखो गाइस माशाल्लाह से गाइस एक अंडा भाई हमारी मतलब जो फेंटेल का ग्रे बार ने अपने अंदर ले लिया है। अब भाई एक काम करते हैं, अब दूसरा अंडा किसके नीचे रखें बताओ। मैं सोच रहा हूँ ब्लैक फेंटेल के दोनों फर्टाइल नहीं है। हाँ एक भी अपनी आज तक पाला नहीं। हाँ पाला था तो मर गया था, तो एक क्यों ना यही रख दें। मेरा क्या कहना है क्या? तुम ब्लैक फेंटेल के इनके जो वाले अंडे जो है भाई वो ब्लैक फेंटेल के नीचे रख दो दोनों, बड़ा साइज है पाल लेंगे। और ये काम करो मेरी मानो तो अपन एक काम करते हैं गाइस, क्या करते हैं भाई इसके जो दोनों ब्लू बार का जो अंडा है ना वो इसके नीचे रखते हैं दोनों, ठीक है, क्योंकि उसका भी काफी दिन होगा है, इनके को भी काफी दिन होगा है। और जो इसका जो एक अंडा है ये ब्लू बार के नीचे रख दो, अच्छा पाल लेगी वो। एक अकेला पाल लो। हाँ एक अकेला ब्लू बार से, ठीक है। एक अकेला शिराजी पाल लेना ना, मतलब ही क्या है? नहीं तो वो प्रिय वाला रख दो, अच्छा इनके नीचे फेंटेल से क्या पाल लो? वो दोनों पर फेंटेल के नीचे रख दो, ये कह रहा हूँ मैं, इसको रखो अच्छा मेरी तो मानो तुम, ये इसको रख दो इसके नीचे। चलो ऐसा और इस वो फेक खराब वाला एक कौन सा है अलग रख दो उसको, नहीं तो मिला दो तुम। नहीं तो भाई काम करते हैं इसको रख दो इसके नीचे छोटी वाली जोड़ के, इसके दोनों अंडे में हटाता हूँ कुछ ऐसे, ये देखना गाइस ये निकाले दोनों एग्स, और इसका जो एग्स है ये जो एग है गाइस इसको मैं रखता हूँ इसके नीचे कुछ ऐसे। अब वो एक बच्चा तो पाल लेगी यार, फेंटेल पाल लेगी ना, नस बन रही है भाई दिखाना, दोनों में नसें हैं। तो इनको एक काम करो भाई माशाल्लाह से भाई दोनों में, ये थोड़े दिन हो भी गए, फेंटेल भी थोड़े दिन से बैठी है, तो एक काम करो फेंटेल के दोनों अंडे हटा दो और ये दोनों अंडे रख दो। देखो गाइस ये गया एक अंडा और ये गया भाई दूसरा अंडा, और ये जो एग है भाई ये दिखा देना प्रूफ के, उससे चेक करवा दो। ये देखो गाइस ये अंडा पूरा खराब है, और दूसरा अंडा दिखाना भाई, ये देखो गाइस ये भी भाई अनफर्टाइल एग है। अब आप बोलोगे तो मैं इसको फोड़ के भी दिखा सकता हूँ, ये पहले से भी खराब ही था लगभग लगभग, इसको तो रहन दो भाई ये रेड शिराजी का है, ये तो भाई फर्टाइल होगा ही यार, प्रूफ है सामने बच्चा। तो भाई देख सकते हो अब हमने क्या किया, मैं आपको एक बार कहानी बता देता हूँ अच्छे से। जो अभी फेंटेल के अंडे आए थे एक मैंने रखा है ग्रे बार के नीचे, ठीक है भाई, और जो दूसरा अंडा है वो मैंने रखा है छोटी वालों के नीचे, ठीक है भाई, और जो छोटी वालों के अंडे थे वो मैंने रखे हैं भाई फेंटेल के नीचे, क्योंकि गाइस एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था हमारी फेंटेल बैठी हुई थी अपने अंडों पर, और इनको भी एक हफ्ता लगभग हो गया था, तो इसलिए गाइस मैंने इनके अंडे इनके नीचे रख दिए कि भाई ये बच्चे पाले, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से यार इनसे बच्चे नहीं पलवाए हैं, तो इस बार इनसे बच्चे पलवाते हैं, और बाकी ये अब अपना पहली बार बच्चा पालेंगी वो भी फेंटेल का, क्योंकि ये जोड़ मैंने इसीलिए रखी थी, वो ग्रे बार से मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह गाइस वो भी अपने दोनों बच्चे पाल लेगी। तो गाइस अभी भाई हम लोगों ने कुछ चीज़ चेंज की है, अभी तो मैंने सब कुछ कर दिया था, लेकिन हमने और भाई ने गाइस मिलकर एक चीज़ सोची, मैं भी आपको बता दूँ क्या, कि भाई इसके नीचे यार मैंने जो अभी आपको देखा सेंटिनेट का अंडा है उसमें नस बन रही है, तो भाई एक चीज़ गलत हो जाएगी, अगर उसका बच्चा चार दिन पहले निकला तो हमारे फेंटेल का अंडा लगभग भाई बाद में निकला तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, और हमारे लॉफ्ट में हुई भी है। तो अभी मैंने सोचा है कि जो छोटा अंडा है जिसमें नस बन रही है इसको मैं उठा के क्यों ना इसके नीचे रख दूं, ये देखो, और वो बैठेगा भी 100% हमारे कबूतर बैठते हैं, तो कैसा रहा है, क्योंकि इसके अंडे को गाइस 5-6 दिन हो चुके हैं नस भी बन रही है, वो जो सेंटिनेट का है उसमें भी भाई नस बन रही है, तो क्यों ना भाई दोनों अंडों को इसके नीचे रख दिया है, और अब वो उसको आराम से पालेगा, एक साथ बच्चे भी निकलेंगे, एक शिराजी होगा एक सेंटिनेट, तो इनको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ये बहुत बड़े और बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, और इनसे हम फर्स्ट टाइम बच्चे पलवाएंगे, अभी तक चूजे निकलवाए थे अब बच्चे पलवाएंगे, तो हमने इनके नीचे फेंटेल का रखा है और इसके नीचे भी फेंटेल का रखा है। अब देखते हैं भाई कितने, आज कितनी तारीख है भाई, 30 तारीख है ना, तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं गाइस 15 या 16 जनवरी को, मतलब 17-18 दिन में इंशाल्लाह इसमें से बच्चे निकलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तारीख तक वेट करते हैं, देखते हैं भाई फिर क्या होता है। तो दोस्तों ये तो थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि गाइस मैंने एक भी अंडा अच्छा वाला जिसमें नस बन रही थी उसको ख़राब नहीं होने दिया, वैसे मैंने सोचा था हो सकता है हो, पर ऐसा नहीं हुआ, और आप लोग कमेंट करोगे कि भाई सेंटिनेट का बच्चा नहीं सेंटिनेट कबूतर का बच्चा आप मतलब ब्लू बार शिराजी कैसे पालेगा, तो भाई जब सेंटिनेट बड़ा छोटा होता है तो उसकी चोंच बड़ी होती है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी चोंच छोटी होती है, प्रूफ दिखाऊं, ये देखो इतनी बड़ी चोंच में भाई
आराम से शिराजी कबूतर उसको पेट भरा सकता है और पाल सकता है। और ऐसा अगर भाई बच्चा निकला उसमें से तो मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। तो ये तो थी गाइज आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि गाइज मैंने आपको अपने पूरे लॉफ्ट की पूरी ब्रीडिंग प्रोग्रेस बता दी और सेल में जो कबूतर थे 4-6 जितने भी थे वो भी बता दिए। और इसी के साथ गाइज जो अंडे आए थे वो भी अपन ने अच्छे से भाई उनकी जगह पर प्लेस कर दिए, जिसके नीचे रखना थे उसके नीचे रख दिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वेट करना 15 जनवरी से 20 जनवरी तक, जब भी बच्चे निकलेंगे मज़ा आ जाएगा।